हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मेरा फिजिक्स में चैप्टर 2 मोशन। मोशन का जो मेरा टॉपिक 9 है आज, यानी कि जो एक्सीलरेशन हम पढ़े थे टॉपिक 8, उसमें आज हम पढ़ेंगे टॉपिक 9 एक्सीलरेशन का टाइप। तो 2 टाइप्स का होते हैं, कौन कौन सी? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो हम इस वीडियो में कवर करेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। सबसे पहले देख लेते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है? तो अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इफ इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट एंड स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम्स। मतलब कि बोल रहा है ये कि एक ऐसा मूविंग ऑब्जेक्ट, क्या बोल रहा है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, कि एक ऐसा मूविंग ऑब्जेक्ट जो क्या कर रहा हो, ट्रेवल कर रहा हो, लेकिन कैसे, एकदम स्ट्रेट लाइन में, एकदम सीधी सी लाइन में ट्रेवल कर रहा हो और इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, लेकिन इन इक्वल अमाउंट यानी कि इंटरवल्स ऑफ टाइम है वो आपका क्या हो रही है, इक्वल हो रही है। इंटरवल्स ऑफ टाइम हो रहा है वो आपका क्या है, इक्वल है। मतलब कि अगर हम बात करें तो साफ साफ बोलना ये चाहता है कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो स्ट्रेट लाइन में, एकदम स्ट्रेट लाइन में मूविंग कर रही है, यानी कि चल रही है स्ट्रेट लाइन में, और इसका वेलोसिटी इंक्रीज भी हो रहा है और इसका जो इंटरवल्स ऑफ टाइम है वो आपका इक्वल है सब में। मतलब कि स्ट्रेट लाइन में है तो, लेकिन वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि कैसे चल रहा है वो आपका, कितने की रफ्तार से चल रहा है वो आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज बढ़ते जा रहा है। लेकिन जो आपका इंटरवल्स ऑफ टाइम, मतलब कि कितने सेकंड में दूरी को तय किया है, वो आपका सब में सेम रहे। एक एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, जिसमें एक एग्जांपल है कि यहाँ पे पॉइंट ए है, तो पॉइंट ए के पास एक कार है, कार ऐसे एकदम जा रही है, ऐसे जाने के बाद फिर ऐसे टर्न हो गई, तो क्या बताइए आप हमको जल्दी से, क्या ये आपका यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो सकता है? तो आप कहेंगे जी नहीं, आपका यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन नहीं होगा। जानते हैं क्यों? इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ से ये तो जा रहा है, लेकिन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या बोलता है कि एकदम स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा हो और इसका वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा हो और इंटरवल्स ऑफ टाइम है वो आपका इक्वल। लेकिन इसमें क्या कर रहा है, सिर्फ यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक ही आपका स्ट्रेट लाइन में ये ट्रेवल किया, लेकिन उसके बाद में देखिए एकदम ऊपर नीचे हो गया, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है। एंड सेकंड प्रॉब्लम कि इसमें वेलोसिटी दिया हुआ ही नहीं है, तो इसमें इंक्रीज क्या करेंगे हम, फिर आपका इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो ना इसमें आपका इंटरवल्स ऑफ टाइम नहीं दिया हुआ है, तो हम इसमें इक्वल क्या करेंगे, यानी कि आपका पूरी तरीके से क्या है, रॉन्ग हो जाएगा। तो इसीलिए हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसे चलती जा रही है एकदम, ऐसे लेकर के ऐसे एकदम यहाँ से लेकर के यहाँ तक गई पॉइंट बी के पास, बी से लेकर के सी के पास, सी से लेकर के डी के पास और डी से लेकर के ई के पास। तो आप हमको बताइए कि ए से बी तक जाने में ये आपका है जो कितना, 10 मीटर सेकंड का, ये आपका 10 मीटर सेकंड का, 5 मीटर सेकंड, 5 सेकंड, 5 सेकंड। तो आप क्या बताइए, आपका इंटरवल्स ऑफ टाइम है? तो आप कहेंगे कि नहीं, आपका इंटरवल्स ऑफ टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए ये आपका स्ट्रेट लाइन में मूव तो कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है यहाँ पे, यानी कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, वेलोसिटी यहाँ पे सेम इंक्रीज नहीं हो रही है, और नहीं तो क्या, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है आपका, एकदम सेम यानी कि इक्वल हो जा रही है, नहीं तो फिर डिक्रीज हो जा रही है आपका, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज वेलोसिटी नहीं हो रहा है। और बात रही इंटरवल्स ऑफ टाइम की, तो हाँ इंटरवल्स ऑफ टाइम आपका सब में इक्वल है, देख सकते हैं। तो ये 10 मीटर है, तो यहाँ पे कम से कम तो 15 मीटर होना चाहिए, मीटर सेकंड स्क्वायर 17, फिर 20। तो
अब यह आपका यूनिफॉर्म एक्सलरेशन हुआ, तो आप बोले कि जी हाँ, अब यह आपका क्या हुआ, यूनिफॉर्म एक्सलरेशन, यह आपका प्रॉपर यानी कि पूरी तरीका से हो गया। तो चलिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं और इस पे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसका सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं। तो यूनिफॉर्म एक्सलरेशन का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, जो आपका एक्सलरेशन का फॉर्मूला होता है उसी पे ये क्या करता है, उसी पे अपना काम चलाता है। जैसे मैं देख लीजिए कि एग्जांपल है कि आपने एक फादर है, ठीक है, तो उसके दो सन है, तो हम एक सन के बारे में बात करें, बड़ा सन है तो जिसके आप उसके पास कुछ नहीं है, खुद का कुछ नहीं है, जो उसके पिता का प्रॉपर्टी था उस पे जो सब कुछ था उस पे अपना काम चला रहा है और उस पे वो खुद का सम्मान रख रहा है, मतलब कि वो उसको पिता के प्रॉपर्टी पे खुद का नाम दिया हुआ है, ठीक है। ठीक उसी तरह इसका भी है कि यूनिफॉर्म एक्सलरेशन का फादर कौन है, एक्सलरेशन, लेकिन इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, तो किसके फॉर्मूला से काम चला रहा है, अपने फादर के फॉर्मूला से ये काम चला रहा है यूनिफॉर्म एक्सलरेशन। तो ये एक्सलरेशन का क्या होता है फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है आपका वी माइनस यू अपॉन टाइम, यानी कि वी अगर हम बोले तो वी आपका क्या होगा, वी यानी कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यानी कि जहां से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी वहां से लेकर के जहां पे अपनी जर्नी को खत्म की है। लेकिन आप तो ये क्या रहे, यहां पे हम इसको कैसे करेंगे, यहां पे तो बहुत सारा है, मान लीजिए कि आप ऐसा बनाएंगे कि यहां पे हाँ ये हो गया आपका जर्नी स्टार्ट किया है यानी कि इनिशियल पोजीशन हो गया आपका, और यहां पे आपका जर्नी का किया है खत्म किया है, ये आपका फाइनल पोजीशन हो गया। जी नहीं, आपका ऐसे नहीं होगा, ये इतना सारा दिया हुआ है तो आपको क्या करना होगा यहाँ पे कि पहले आप एक एक करके निकालना होगा आपको, यहीं पे हम स्टॉप किए थे, जो एक्सलरेशन समझा रहे थे वहां उस क्वेश्चन में यहीं पे स्टॉप किए थे। तो आपको क्या कीजिए कि इसको आप क्या मान लीजिए, इनिशियल पोजीशन मान लीजिए, वेरी गुड, लेकिन जो आपका ए से बी तक आप सिर्फ अभी क्या कीजिए, निकालिए ए से बी तक यूनिफॉर्म एक्सलरेशन निकालिए। तो ए से बी तक निकालने के लिए फाइनल पोजीशन ये हुआ और ए से बी तक निकालना है तो ये मेरा क्या हुआ, इनिशियल पोजीशन। सॉरी फाइनल पोजीशन ये हुआ, लेकिन आप सुनिए कह रहे ये कैसे हो गया, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्यों, क्योंकि एक तो यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है एक यहाँ पे दिया हुआ है 10 मीटर सेकंड, लेकिन यहाँ पे बी का 15 मीटर सेकंड दिया हुआ है, सी का दिया हुआ है 17 मीटर सेकंड, डी का दिया हुआ है 20 मीटर सेकंड, ई का हम आगे बनाएंगे तब देखेंगे, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, वी माइनस यू यानी कि वी किसको, फाइनल पोजीशन कितना है यहाँ पे 15, माइनस यू यानी कि इनिशियल पोजीशन यानी कि 10 अपॉन टाइम कितना है, तो टाइम है यहाँ पे 5 सेकंड, क्योंकि सब में तो 5 ही सेकंड है ना, तो आप एक तो 5 सेकंड लिख दीजिए, आप माइनस कीजिएगा तो 5 हो जाएगा, 5 अपॉन 5 यानी कि ये आपका सेकंड है, तो सेकंड में ही रहेगा, ये आपका ऐसे आ गया यहाँ पे इस कंडीशन में आ गया। तो आप इसको क्या कीजिएगा, अब आप इसको क्या कीजिए कि कट कर दीजिएगा तो ऐसे, तो इसका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, दैट्स राइट आंसर। अगर हम बोले कि ए से बी तक का निकाल लिए हम, ठीक है, लेकिन अगर बोले कि बी से आप सी तक का निकालो तो वो कैसे निकालिएगा, बिल्कुल ऐसा ही निकालेगा आपका बी से सी तक का भी यूनिफॉर्म एक्सलरेशन, आपका बी कितना दिया हुआ है 15, लेकिन तो ये 15 दिया हुआ है तो ए से बी तक निकालते तब ना मेरा ए हुआ जो आपका इनिशियल पोजीशन हुआ और बी होता आपका फाइनल पोजीशन, लेकिन बी को अभी आपको क्या मानना होगा, इनिशियल पोजीशन, और सी को क्या मानना होगा आपको, फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन आपका कितना है 15 मीटर सेकंड, लेकिन आपका ये फाइनल पोजीशन कितना है 17 मीटर सेकंड, तो आपको क्या करना होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो फाइनल पोजीशन यहाँ पे कितना है 17, फिर आपका इनिशियल पोजीशन 15 टाइम 5 यानी कि 2 अपॉन 5, नहीं कट रहा है तो आपको क्या
आपका ऐसे भी हो सकता है। हम बोले अब आपको कि आप बी से सी तक का निकाल लिए, वेरी गुड। लेकिन अब आप सी से डी तक का निकालो, तो वो कैसे निकालिएगा? तो सी से डी तक का निकालना है तो बिल्कुल अभी भी बताएं कि जो क्या है आपका ए से बी तक का निकाले, तो ए को माने इनिशियल पोजीशन, बी को फाइनल पोजीशन। अगर बी से सी तक का निकाले तो बी को माने इनिशियल पोजीशन और सी को माने फाइनल पोजीशन। लेकिन अब हमको सी से डी तक का निकालना है तो हम क्या करेंगे, सी को मानेंगे हम क्या फाइनल पोजीशन, सॉरी इनिशियल पोजीशन, और ये डी को हम मानेंगे फाइनल पोजीशन, यानी कि जहां से जानी स्टार्ट हुई है इनिशियल पोजीशन, जहां से जानी खत्म हुई है वो आपका क्या है फाइनल पोजीशन। तो आप इन ये फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को घटाइए तो कितना है फाइनल पोजीशन, 20। तो 20 माइनस 17 अपॉन 5, यानी कि 3/5 कटेगा तो काटिए, नहीं कटेगा तो पॉइंट में ऐसा लाकर लिखिए या फिर आपका ये भी ऐसा ही हो जाएगा। आप बोला कि D से E तक का निकालो, तो D तो दिया हुआ है आपको कितना है 20 मीटर सेकंड, लेकिन आपका E तो E आपको निकालना पड़ेगा, मतलब कि आगे ले जा करके इससे इंक्रीज करके, तो देखिए कि यहाँ पे 5 सेकंड यहाँ पे होगा क्योंकि सब में इंटरवल्स ऑफ टाइम सेम होनी चाहिए और यहाँ पे आपका वेलोसिटी इंक्रीज होना चाहिए, तो यहाँ पे वेलोसिटी को इंक्रीज कीजिए हमारे से 25। अब डी से ई तक निकालने के लिए बोलेगा तो 10 इज आप निकाल लीजिए, ठीक है, तो आप सबका वैसा ही निकलेगा। तो आप लोग इसका जल्दी से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि अब ये होने वाला है यहाँ से इरेज। सो थैंक्स फ्रेंड्स, आज का वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो रहेगा मेरा टॉपिक 10 में हम पढ़ेंगे, वो है मेरा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। तो आप कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक्स।